नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्राकर स्वागत करता हूं आपका फ्लाई हाई अकेडमी भोपाल में। और आज हम संस्कृत में निबंध पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। विवेकानंदस्य प्रथम नाम नरेंद्र आसीत। विवेकानंद जी का पहले जो नाम था वो नरेंद्र था। अयं रामकृष्ण परमहंस शिष्य। स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। कोलकाता नगरे दक्षिणेश्वर काली मंदिर तस्योपासना केंद्र आसीत। कोलकाता नगर में दक्षिण में काली माता के मंदिर में उनका उपासना केंद्र था। असौ अंग्रेजी बंग संस्कृत साहित्यना महान पंडिता दर्शन शास्त्र तस्य विषय अधिकार आसीत। उन्होंने अंग्रेजी बंगला और संस्कृत और के साहित्य में और दर्शन शास्त्र में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी, उसके लिए उन्हें बहुत अच्छा विशेष अधिकार प्राप्त था। देशवासी नाम दुर्दशाम पराधीनांचस बिलोक अश्यमन उदीगन अवभत। देशवासियों की दुर्दशा देखकर, उनकी इस तरह की पराधीनता देखकर उनका मन हमेशा से ही परेशान रहता था। अमेरिकायाम शिकागो नामी नगरे अखिल विश्व धार्मिक सम्मेलन भाषण कृत्वा अयम परमम ख्याति प्राप्तवान। अमेरिका के शिकागो में अखिल भारतीय विश्व धार्मिक सम्मेलन में उनका जो भाषण है आज सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। देशे पांडिचेरी चेन्नई आदि स्थानेशु कृत्यकालम स्थितवासम अल्मोंडा नगरम आगत्य प्रबुद्ध भारत इति समाचार पत्रम प्रकाशितवान अयम युग पुरुष अस्माकम देशे संसारे प्रातः स्मरणीय अस्ति। हमारे देश में पांडिचेरी और चेन्नई में आदि के स्थान पर कृत्यकालम में उन्होंने स्थान में वहाँ रहकर अल्मोड़ा नगर में उन्होंने प्रबुद्ध भारत नाम से समाचार पत्र प्रकाशित करा। आज के युग पुरुष हमारे देश के और पूरे संसार में उन्हें सभी जगह स्मरण किया जाता है। तो इसी के साथ आपका स्वामी विवेकानंद जी का जो निबंध है वो पूरा हुआ। गाइस, अगर आप इस तरह का निबंध लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएँ संस्कृत भाषा में। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।